सुनो, आज के बाद तुम अपना प्रॉब्लम लेके पुष्पा जी के पास या किसी के पास भी गए तो हमसे बुरा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम बन जाएंगे, समझ लो। और हम वो प्रॉब्लम है जो ना तो पुष्पा जी सॉल्व कर पाई है और ना तुम सॉल्व कर पाओगे। जैन मैडम, जय, जितना भी पेंडिंग केस है सब फाइल लेकर आओ हमारे पास। नहीं मैडम, आज तक आपने और मैडम सर ने कोई केस पेंडिंग छोड़ा ही कहाँ है। वाह, तारीफ की ना मैडम, हम तो कुछ तो दुनिया में गलत हो रहा होगा भैया जो हम ठीक कर सकते हैं, या सब ठीक हो गया आज दुनिया में? जो भी है सब लेकर आओ, कोई घटना लेकर आओ, कोई न्यूज़पेपर लेकर आओ हमारे पास तुरंत से भी जल्दी। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है मैडम? अरे क्या बताएं संतू जी, मैं आपसे पूछ लूं, आप बताओ ना मुझे। देख रही पुष्पा, यही दिक्कत है हम लोग के बीच में। आप बोलो क्या हुआ ना, पोलिंग में मैडम सर को ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं ना, इसलिए इनके दिल और दिमाग पर थोड़ी चोट लगी, इसलिए वो गुस्साए बैठी है।